फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ ट्विंकल और आपका स्वागत है मेरे चैनल में, इंडियन मॉम एंड बेबी ट्रूबी में। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और आज मैं आप लोगों के शेयर करने वाली हूँ अपना डिनर का रूटीन, जो इवनिंग से स्टार्ट होता है, नाइट पे स्टॉप होता है। तो चलिए देखते हैं आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। और सबसे पहले मैं बनाऊँगी लौकी की सब्ज़ी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है लौकी, ये गोल वाला लौकी था, और मैं इसको तल लूँगी, मतलब काट लूँगी। और ये दाल वाली लौकी बनाऊँगी, तो दाल मैंने यहाँ पे ऑलरेडी भिगो के रखे हुए हैं, तो मैं फटाफट से इसे काट लेती हूँ। और अभी शाम के 5:15 बजे हुए हैं, बिकॉज जैसे आप लोग जानते हैं मेरी साथ तो दिन में खाना खाते हैं, तो इसलिए मुझे ये बनाना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। लौकी जो मैंने काट लिया है, धो लिया अच्छे से, और ये दाल का पानी भी निकाल दिया है, ये दाल, और इसका भी निकाल दिया पानी, ये भी धो लिया है। तो चलिए इसको बनाते हैं। फ्रेंड्स, मेरी यहाँ पे बन रही है लौकी। और ये कुछ सुबह का थोड़ा सा आटा था, तो इससे मैं अभी सासू माँ के लिए अभी थोड़े से, मतलब जो भी वो खाती हैं खाना, उनके लिए बना दूँगी। बाकी का मैं आटा बाद में गूँदूँगी, क्योंकि वो बनना खाती हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, मेरी लौकी की सब्ज़ी भी बनके रेडी हो चुकी है। दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, खा के पता चलेगा।
और ये पराठे भी बन चुके हैं, पर आप सोच रहे होंगे मैंने तोड़ के रखे, क्योंकि हम लोग जैन लोग जो होते हैं हमारे यहाँ ये ऐसे ही तोड़ के खाते हैं, इसलिए। तो बस अभी मैं ये सासू माँ को दे देती हूँ और बाकी का मुझे अभी आटा गूंदना है, ये गूंदूंगी और मुझे तो बस इसे गूंद के। तो फ्रेंड्स मैंने ये बनाया है, वो सुबह का चावल रखा हुआ था तो उसको फ्राई कर लिया है, तो मुझे बहुत भूख लग रही थी इसलिए। तो इसमें ये इंदौरी मसाला डाला है, ये मेरे बन के रेडी हो चुका है, अब मैं इसे खाती हूँ। बिकॉज अभी मुझे दूध भी गर्म करना है और उसके बाद अभी जो मेरा किचन में थोड़ा मैसी हो रखा है उसको भी ठीक करना है, अपनी बेटी को भी सैरलेस खाने का उसका भी टाइम हो गया, उसको भी खिलाना। अभी तो वो थोड़ा सा अपने बाबा के साथ बाहर घूमने गई है थोड़ी देर के लिए, तो अब सब तो मैं फटाफट से खा लेती हूँ इसको और मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पे मैं दूध बॉईल कर रही हूँ अभी और ये मेरे दूध बॉईल हो गया और मैंने किचन भी नीट एंड क्लीन कर दिया है, ये देख सकते हैं आप सारी चीज़ जगह पे और जो भी बर्तन होता है वो भी कर दिए सब। और मैं अभी किचन की आपको कुछ खास चीज़ दिखाना चाहती हूँ, ये मेरी किचन में विंडो, यहाँ से दिखता है बाहर, अभी तो खैर रात हो चुका है तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट वो जो सामने लाइट आपको दिख रही है वो रोड है एकदम से बाहर। तो हमारे यहाँ पे कोलकाता में रूम हो चाहे किचन हो कहीं भी हो विंडो बहुत सारी होती है, तो बस दूध फटाफट से बॉयल हो जाए यहाँ पे और
फ्रेंड्स, मेरा सारा कुछ हो चुका है। मेरी बेटी भी खाना खा चुकी है अपना, और वो बहुत मस्ती करती है। कुछ भी नहीं खाना उसको, और मैंने जस्ट उसको सिर्फ सेरेलैक्स दिया था और कुछ भी नहीं। तो वो भी नहीं खाना चाहती, वो कुछ भी नहीं खाना चाहती। और मैंने सारा काम कर लिया है, और मेरा इवनिंग मतलब मैं शाम को ही आटा वाटा लगा के रख देती हूँ, क्योंकि मेरी सासू जी है वो जल्दी खाना खा लेती हैं, तो इस वजह से मुझे जल्दी करना पड़ता है। और ये मेरे बगल में डॉगी रहता है, उसका बहुत आवाज़ आ रहा है, बहुत बिना बात के भोंकता रहता है ये। तो शाम को ही मैंने सब्जी भी बना दी थी लौकी की, और आटा भी लगा दिया, और दूध भी बॉयल हो गया। और बस अभी मैं फ्री हूँ थोड़ी देर में, तो इस टाइम पे करूँगी थोड़ी बहुत एडिटिंग करूँगी, और बस मैं थोड़ी देर फ्री रहूँगी। और 9 बजे से मेरा खाने का स्टार्ट होगा। सिर्फ अब मुझे खाना बनाना है, रोटियाँ बनानी है बस, और कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि सारा कुछ हो चुका है मेरा। और क्लीन वगैरह किचन भी मैंने एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया, क्योंकि मुझे गंदा किचन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कि कोई अगर अचानक से आ जाए और किचन में अगर गलती से उसने देख भी लिया, क्योंकि मेन गेट से घुसते ही किचन है, वो गंदा लगे वो मुझे पसंद नहीं। इसलिए मैं किचन को अपनी क्लीन करके रखती हूँ, और किचन भी क्लीन कर दी, बर्तन भी साफ हो चुके हैं, सारा काम भी हो चुका है। अब सिर्फ मुझे जो भी है सिर्फ थोड़ा बहुत रोटियाँ बनानी है, उसके बाद मैं फ्री। और ये टाइम में मैं भी थोड़ी देर फ्री हूँ, तो सोच रही हूँ थोड़ी देर एडिटिंग कर लेती हूँ। बेटी भी मेरी अभी खाना खा चुकी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मुझे। तो बस यही होता है मेरा डिनर का रूटीन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मुझे कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को हिट ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गुड नाइट।